बहुजन समाज पार्टी का सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति हेतु संविधान दिवस पर विचार गोष्ठी और जागृति सम्मेलन टोड़ी में आयोजित किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम मुख्य अतिथि बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा थे और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों ने संविधान को पूरी तरीके से धरातल पर लागू नहीं किया है और कांग्रेस और बीजेपी बात तो बहुजन की करती है लेकिन काम पूंजीपतियों का करती है। देश में आकूत खनिज संपदा है, इसका संवैधानिक तरीके से दोहन किया जा रहा है तो देश में गरीबी खत्म की जा सकती है। बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर ने शक्तिशाली वोट डालने का अधिकार दिया है जिसका उपयोग कर बहुजन समाज अपना राज स्थापित कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी उदयपुर पार्टी विधानसभा में धोखेबाज विधायक को टिकट बिल्कुल नहीं देगी। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस सरकार के द्वारा ही काका कालीकर आयोग और मंडल आयोग की सिफारिश लागू नहीं की गई है। बता दें कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बसपा प्रदेश प्रभारी प्रेम बारूपाल ने कहा है कि संविधान गरीबों शोषितों और महिलाओं और पिछड़ी वर्गों को समानता का अधिकार देती है। अपनी वोट का उपयोग कर बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बता दें कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव सज्जन लाल चूड़ी जिला प्रभारी बलबीर सिंह काला दारा सिंह कलवा और मक्खन लाल आदि लोग मौजूद रहेंगे।